दोस्तों, इस वीडियो में हम सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के चैनल्स को लेकर बात करने वाले हैं। अगर आप भी स्पोर्ट्स के फैंस हो या फिर म्यूजिक सुनने के काफी शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाली है, क्योंकि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स की ओर से हमारे लिए जो 3 चैनल्स है उसे कल रात को बंद कर दिया गया। जैसे हमारे लिए रात के 12 बजे वहां पर हमारे लिए ट्रांसमिशन को रोक दिया गया और ये चैनल्स है वो हमारे लिए शट डाउन कर दिए गए। ये जो भी चैनल्स है उसमें सोनी ESPN है, सोनी ESPN HD है और सोनी मिक्स है। ये तीनों चैनल्स के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया था कि ब्रॉडकास्टर की ओर से इन तीनों चैनल्स को बंद किया जा रहा है। सभी तमाम DTH और केबल TV प्लेटफॉर्म से भी इसे हमारे लिए हटा दिया गया। अचानक से इन चैनल्स को बंद करने के पीछे क्या वजह रही है, तो उसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रही। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इंडिया में आपको मालूम है कि पहले से इधर स्पोर्ट्स चैनल चल रहे हैं, और हाल ही में आपको मालूम होगा कि पहले सोनी के पास ही IPL के राइट्स हुआ करते थे, लेकिन बाद में स्टार के हाथों में चले गए और उसके बाद कुछ ऐसे खास मैसेजेस जो थे वो हमारे लिए सोनी के पास राइट्स नहीं मिल पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोनी ESPN के ट्रांसमिशन को बंद कर दिया जाए। वैसे भी सोनी और ESPN के बीच जो पार्टनरशिप थी उसका जो एग्रीमेंट था वो फाइनली खत्म होने ही जा रहा था, और यही कारण है कि सोनी ने फैसला ले लिया कि क्यों ना ESPN से करार तोड़कर एग्रीमेंट को खत्म करके अपने चैनल को बंद ही कर दें, क्योंकि उनके पास पहले से ही सोनी 10-1 है, सोनी 10-2 है, सोनी 10-3 चल रहा है, सोनी 6 भी चल रहा है, तो उनके पास पहले से इतने चैनल जो है स्पोर्ट्स में चल रहे हैं, तो ऐसे में सोनी ESPN की उनको कोई जरूरत नजर नहीं आई। तो इसी की वजह से दोनों चैनल्स को हमारे लिए शट डाउन कर दिया गया। और वैसे भी सोनी ESPN जो HD है उसकी वीडियोकॉन डेटवॉच में अवेलेबिलिटी भी नहीं हुई थी, तो वीडियोकॉन डेटवॉच को भोगता हूँ उसका कुछ अच्छा खासा जो असर है वो नहीं देखने को मिलने वाला है। बाकी सोनी मिक्स को बंद करने के पीछे क्या वजह रही है, तो देखिए, वैसे आपको ये भी मालूम होगा कि सोनी जो मिक्स है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए टॉप 4 में भी हमारे लिए नजर आ रहा था म्यूजिक जनर में। जी हाँ, टॉप 4 में भी TRP उसे अच्छी खासी मिल रही थी, लेकिन अचानक जैसे उसे DD फ्री डिश में स्लॉट नहीं मिला तो उसके बाद भी निराश हो गया। उन्होंने लगा कि अगर हम DD फ्री डिश में जीत नहीं पाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो चैनल है वो पीछे चला जाएगा, क्योंकि हाल ही में शो बॉक्स चैनल ने अच्छी खासी TRP हासिल कर लिया, वो टॉप 4 तक भी हमारे लिए DD फ्री डिश की वजह से पहुंच चुका है TRP में। तो सोनी मिक्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नजर आना बंद हो चुका था, और यही कारण है उनको DD फ्री डिश में भी स्लॉट नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि चैनल को बंद करने में ही हमारी भलाई होगी, क्योंकि ऐसे में जब TRP नहीं आएगी तो चैनल में एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी, और एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगी तो चैनल ग्रो कैसे करेगा, तो चैनल जो चला पाना थोड़ा ब्रॉडकास्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो फैसले लिए गए हैं उनके खुद के लिए गए हैं, और यही कारण है कि तीनों चैनल्स हमारे लिए आज से बंद कर दिए गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इन तीनों चैनल्स को हमारे लिए क्यों बंद किया गया है। बाकी इसको लेकर आपके मन में भी कोई सवाल है तो नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। नमस्कार।